नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू। आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ में हुए आदिवासी विद्रोह, किसान आंदोलन, जंगल सत्याग्रह और रियासत से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये टॉपिक सीजीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, सूची 1 आदिवासी विद्रोह और सूची 2 दमनकर्ता को सुमेलित करना है। एक तरफ आदिवासी विद्रोह के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ दमनकर्ता के नाम लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परनकोट विद्रोह की। तो परनकोट का विद्रोह 1825 ईस्वी में परनकोट, जो कि उत्तर बस्तर कांकेर के तहसील पखांजुर का एक ग्राम है। अगर हम यहाँ पर मैपिंग करें तो ये वाला जो एरिया पखांजुर, ठीक है, यहाँ पर है ग्राम परनकोट। ठीक, परनकोट के जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में इस विद्रोह को किया गया था। 1825 ईस्वी में किया गया था। समय देखिए 1825 ईस्वी है। हमने देखा था कि 1778 ईस्वी में कोटपाट की संधि के बाद बस्तर का क्षेत्र मराठों के अधीन आ चुका था। अब बस्तर के क्षेत्र में मराठों का अप्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो गया था। प्रति वर्ष बस्तर के शासक को 59,000 टकोली मराठों को देना था। 1800 ईस्वी तक दरियादेव का शासन यहाँ पर बस्तर में चला। उसके बाद 1800 से लेकर 1842 ईस्वी तक दरियादेव की मृत्यु के बाद महिपाल देव बस्तर की राजगद्दी पर बैठा। महिपाल देव का शासनकाल 1800 से लेकर 1842 ईस्वी तक था और इसी के शासनकाल में ये विद्रोह 1825 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बस्तर में अप्रत्यक्ष शासन चल रहा है। लेकिन देखिए, रतनपुर की स्थिति अगर हम देखें तो रतनपुर में अभी पी वंश अगेंजियों का शासन है। मतलब कि ये मराठा शासन भी नहीं है, ये ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन है, जहां पर पी वंश अगेंजियों ये छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक थे। इनका शासन का मतलब कि छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक पी वंश अगेंजियों, काकतीय वंश के शासक महिपाल देव, इनके शासन काल में परनकोट का विद्रोह हुआ था। परनकोट उत्तर बस्तर कांकेर की एक जमींदारी है। ठीक है, उस समय बस्तर क्षेत्र की ये सबसे बड़ी जमींदारी हुआ करती थी और इस जमींदारी के जमींदार थे गेंद सिंह। 1824 ईस्वी में इन्हें परनकोट का जमींदार नियुक्त किया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन चल रहा है, मतलब कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश का तो प्रभाव है ही और मराठों का भी प्रभाव है। हो क्या रहा था इस समय? सीधी सी बात है, परनकोट के क्षेत्र में अबू जमाड़े आदिवासी निवास किया करते थे और ये उन पर लगातार शोषण कर रहे थे, इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया करते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जीवन शैली प्रभावित हो रही थी और इन्हीं कारणों से गेंद सिंह के नेतृत्व में इस विद्रोह को प्रारंभ किया गया। क्यों किया गया? तो अबू जमाड़ियों को ब्रिटिश और मराठों के शोषण नीति से स्वतंत्र कराने के लिए। ठीक, तो हुआ क्या? कुछ महत्वपूर्ण डेट है। 24 दिसंबर 1824 को गेंद सिंह ने सभी अबू जमाड़ियों को, वहां पर निवास करने वाले सभी अबू जमाड़ियों को एकत्रित किया। फिर उसके बाद 4 दिसंबर को चांदा से लेकर परनकोट तक मराठों एवं ब्रिटिश पर हमला बोल दिया गया। फिर उसके बाद ये जो विद्रोह है ये 10 जनवरी तक चलता रहा और उसके बाद 10 जनवरी को चांदा के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पैवे ने इस क्षेत्र में आकर इस विद्रोह का दमन कर दिया। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक थे पी वंश अगेंजियों और पी वंश अगेंजियों ने चांदा के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पैवे को इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा और कैप्टन पैवे के द्वारा इस विद्रोह का दमन 10 जनवरी 1825 को कर दिया गया और उसके बाद 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दी गई और इस प्रकार से गेंद सिंह को बस्तर में क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि बस्तर के पहले शहीद हैं गेंद सिंह और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हैं। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जनवरी 1825 सीजीपीएससी प्री में बहुत बार पूछा गया है कि गेंद सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा 20 जनवरी 1825।
तो हमने इस प्रकार से क्या देखा कि परलकोट के दमनकर्ता कौन थे, कैप्टन पेबे। अब हम बात करते हैं मेरिया विद्रोह की। तो मेरिया विद्रोह ये 1842 से लेकर 1863 ईस्वी में दंतेवाड़ा के क्षेत्र में हुआ था। दंतेवाड़ा में भी दंतेश्वरी मंदिर में हुआ था, ये इसका मुख्य केंद्र था। किसके शासन काल में हुआ था? इस समय यहाँ पर भूपाल देव का शासन काल था। भूपाल देव का शासन काल 1842 से लेकर 1853 ईस्वी तक था। भूपाल देव के शासन काल में ये मेरिया विद्रोह हुआ था। अब हुआ क्या था हम देखते हैं। ब्रिटिश रेजिडेंट जेंकिंस, आपने सबका नाम सुना है मराठा शासन के अंतर्गत, मैंने सबके नाम को आपको बताया है। ब्रिटिश रेजिडेंट जेंकिंस यूरोपीय यात्री ब्लंट और अगेन यू जो कि ब्रिटिश अधीक्षक हैं, ठीक है। इन तीनों के यात्रा विवरण से यह बात सामने आती है कि शंखनी डंखनी नदी के संगम पर स्थित दंतेश्वरी माता के मंदिर में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। जब इस बारे में ब्रिटिश शासक ने बस्तर के शासक भोपाल देव से पूछा तो भोपाल देव ने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पर मैकफर्सन को इसके जांच के लिए नियुक्त किया गया। फिर मैकफर्सन ने अपने दस्तावेज में बताया, अपने प्रतिवेदन में बताया कि ताड़ी पेन्नू या माटी देव इन दोनों के संस्कार में वहां पर दंतेश्वरी देवी के मंदिर में नर की बलि दी जाती है और जिस नर की बलि दी जाती है उसे ही मेरिया कहा जाता है। और ये जो कार्यक्रम है ये किसी न किसी सांस्कृतिक अवसर पर या फिर किसी धार्मिक अवसर पर, विशेष अवसर पर इसे किया जाता है, ठीक है। तो जब इसके बारे में जानकारी ब्रिटिश शासन को पता चली तो ब्रिटिश शासन ने तुरंत तुरंत इस पे एक्शन लिया और 22 वर्षों तक दंतेश्वरी के मंदिर में सेना को तैनात कर दिया। आदिवासियों ने इसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप समझा और उसके बाद उन्होंने हिंडमा मांझी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो क्यों विद्रोह किया गया? क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा था किसके द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, और इसलिए हिंडमा मांझी के नेतृत्व में इस विद्रोह को प्रारंभ किया गया। देखिए ये जो विद्रोह है ना, इसका नाम मेरिया विद्रोह इसलिए है क्योंकि जिस नर की बलि दी जाती थी उसे मेरिया कहा जाता था और इसी उनकी परंपरा में हस्तक्षेप करने के कारण उनके द्वारा विद्रोह किया गया था, इसीलिए इस विद्रोह को मेरिया विद्रोह कहा गया। इस विद्रोह का दमन बेल के द्वारा किया गया था, ये कैप्टन बेल ब्रिटिश अधिकारी है और इसके लिए वामन राव ने रायपुर के तहसीलदार शेर खां को भी बुलाया था। तो शेर खां की भी इसमें भूमिका है, इस नाम को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके दमनकर्ता कौन है? कैप्टन बेल है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया भोपाल देव के शासन काल में हुआ था। अब हम बात करते हैं भूमकाल विद्रोह की। तो भूमकाल का विद्रोह, ये जो विद्रोह है ये 1910 ईस्वी में हुआ था। पहले का मैच ये, दूसरे का ये 1910 ईस्वी में रुद्र प्रताप देव के शासन काल में हुआ था। रुद्र प्रताप देव का शासन काल 1908 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक था, ठीक। इसके शासन काल में भूमकाल का विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? लगातार बस्तर के क्षेत्र में मराठों की और ब्रिटिश की क्या हो रही थी, शोषण नीति चल रही थी, उस क्षेत्र का कर बढ़ा दिया गया था। तो बस्तर में मुरिया राज स्थापित करने के लिए इस भूमकाल के विद्रोह को किया गया था। मुरिया राज का क्या मतलब होता है? मतलब कि वहां पर जो मूल आदिवासी रह रहे हैं उनके राज को स्थापित करने के लिए भूमकाल का विद्रोह किया गया था। ये विद्रोह बहुत ही ज्यादा भीषण और व्यापक था। व्यापक कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी और पॉपुलेशन जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी था। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में विस्तारित था। तो ये जो भूमकाल का विद्रोह है ध्यान में रखिएगा, रुद्र प्रताप देव के शासन काल में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस विद्रोह से संबंधित, तो इस विद्रोह की शुरुआत मतलब जो लीड कर रही थी
वो भैरमदेव की पत्नी सुवर्ण कुंवर थी। सुवर्ण कुंवर ने इस विद्रोह का सूत्रपात करने के लिए भैरमदेव की सेनापति लाल कालेंद्र सिंह को नियुक्त किया था और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नेतानार के जमींदार गुंडाधूर थे। और अलग अलग परगने में एक अलग अलग बहादुर व्यक्ति को नेता के रूप में चुना गया था। तो इस प्रकार से इस विद्रोह का संचालन किया जा रहा था। देखिए, ये जो विद्रोह था ना, ये सिर्फ एक ही कारण नहीं था, इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे कि उस समय 1886 ईस्वी में नरबलि की प्रथा को आधार मानकर उसको कारण बताकर वहां पर दीवान के पद पर, बस्तर के क्षेत्र में दीवान के पद पर ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया गया था। दूसरी बात, उस क्षेत्र में वहां के वन को आरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से वहां के आदिवासी उस वन क्षेत्र पर कोई भी ना वहां पर वो प्रवेश कर सकते थे, ना ही उसका उपयोग कर सकते थे। जो वनोपज बस्तर के आदिवासी बेचा करते थे, उसका मूल्य उन्हें उचित नहीं मिलता था। अब इनकी मजबूरी ऐसी थी कि इन्हें मजदूरी करना पड़ता था, लेकिन वहां भी इन्हें उचित वेतन नहीं दिया जाता था, मतलब की पेगारी प्रथा भी प्रारंभ हो गया था। जब सरकारी अधिकारी वन क्षेत्रों में भ्रमण किया करते थे या फिर आदिवासी के क्षेत्रों में भ्रमण किया करते थे, तो वो उनपे मारपीट भी किया करते थे, उस क्षेत्र का कर बढ़ा दिया गया था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई एक कारण नहीं था भूमकर विद्रोह का, बहुत सारे कारण थे, जिसमें आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी कि रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में हुआ था, लाल कालेंद्र सिंह इस विद्रोह का सूत्रपात किए थे, ये भैरमदेव के सेनापति थे, गुंडाधूर नेतानार के जमींदार, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और अलग अलग परगने से अलग अलग व्यक्ति के नेतृत्व कर रहे थे। इस विद्रोह का प्रारंभ 1 फरवरी से हुआ। 1 फरवरी को इस विद्रोह का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद 2 फरवरी को पूसपाल के बाजार को लूट कर इस विद्रोह का प्रारंभ किया गया। ठीक है, अंतिम सामना अलवर में हुआ। अलवर में ये गेयर और ब्रेथ, इसको इनका नाम कहीं कहीं किताबों में डी ब्रेड भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं ब्रेथ लिखा है, कहीं कहीं ब्रेड लिखा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों, ये जो कमांडर थे गेयर और ब्रेड, इनके द्वारा भूमकाल के विद्रोह का दमन किया गया। मार्च में इस विद्रोह का पूरी तरह से दमन कर दिया गया था और जितने भी लोग इस विद्रोह में शामिल थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गुंडाधूर बाद में भाग गए। तो इस प्रकार से भूमकाल का विद्रोह बस्तर के क्षेत्र में हुआ था। गुंडाधूर के नाम पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, उनकी स्मृति में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का मैच 2, बी का मैच 1 और सी का मैच 3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल है सूची 1 आदिवासी विद्रोह और सूची 2 शासक को हमें सुमेलित करना है। तो एक तरफ विद्रोह के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ शासकों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, सवाल किस प्रकार से पूछा जा रहा है आदिवासी विद्रोह से संबंधित, एक तरफ आपको विद्रोह के नाम दे दिए जाएंगे। हाँ, जनरली मैच द फॉलोइंग में ही सवाल आता है, एक तरफ विद्रोह के नाम, दूसरी तरफ शासक के नाम, या फिर दूसरी तरफ टाइमिंग, या नेतृत्वकर्ता, या फिर कोई प्रतीक चिन्ह, या फिर कोई दमनकर्ता, या कोई फिर प्लेस, दूसरी तरफ आपको इनसे संबंधित कुछ भी विषय से संबंधित आपको यहाँ पर चर्चा की जाएगी और इस प्रकार से आपको इन दोनों को मैच करना होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी देखा कि भूमकाल का विद्रोह रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तारापुर का विद्रोह, तारापुर बस्तर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी कॉर्नर है तारापुर। ये उस समय तारापुर में उस समय भूपाल देव का भाई दलगंजन सिंह यहाँ के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक, और यहाँ का दीवान था जगबंधु। समय देख लेते हैं, तारापुर का विद्रोह हुआ था 1842 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी तक, और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो भूपाल देव के शासनकाल में हुआ था। भूपाल देव के भाई दलगंजन सिंह को तारापुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये तारापुर के अधिकारी थे और दीवान थे जगबंधु। दीवान जगबंधु को पद से हटाने के लिए और उस क्षेत्र के बढ़े हुए कर को वापस लेने के लिए
यहाँ तारापुर में विद्रोह किया गया था। और तो हमने क्या देखा, इस समय शासक कौन थे, उपाध्यु थे। ठीक है, इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया गया, बढ़े हुए कर को वापस ले लिया गया और इस विद्रोह के ही समय दलरंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसे जेल से छोड़ दिया गया। ठीक, अब हम बात करेंगे लिंगागिरी विद्रोह की। तो लिंगागिरी विद्रोह 1856 ईस्वी में बीजापुर जिले के अंतर्गत लिंगागिरी के तालुका में हुआ था और लिंगागिरी के तालुकदार ध्रुवा राव माड़िया के नेतृत्व में इस विद्रोह को किया गया था। ध्रुवा राव माड़िया ने 3 मार्च 1856 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक चिंतन लाल में ब्रिटिश और ध्रुवा राव इनके बीच में सशक्त युद्ध हुआ था और इसका परिणाम ये हुआ कि इस विद्रोह को भी दबा दिया गया, इसका भी दमन कर दिया गया और 5 मार्च 1856 ईस्वी को ध्रुवा राव को फांसी दे दी गई। तो ये भी ध्यान में रखिएगा ये डेट कि 5 मार्च 1856 ईस्वी को ध्रुवा राव माड़िया को फांसी दे दी गई थी। लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है क्योंकि देखिए विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1856 ईस्वी को हुआ था और उसके बाद 1857 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ हुआ था पूरे भारत के क्षेत्र में। तो 1857 के विद्रोह से जस्ट 1 साल पहले बस्तर को स्वतंत्र कराने के लिए लिंगागिरी तालुका के तालुकदार ने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसीलिए इस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। और उस समय शासक थे भैरवदेव का शासन काल 1853 से 91 ईस्वी तक। इसके शासन काल में 3 विद्रोह हुए थे, कोई विद्रोह 1859 में और मेरिया विद्रोह, हमने देखा था ना कब हुआ था ये मेरिया विद्रोह, 1876 ईस्वी में मेरिया विद्रोह हुआ था। ठीक, हल्का विद्रोह, हमने हल्बा विद्रोह की चर्चा पिछले लेक्चर्स में की है, हल्बा विद्रोह अजमेर सिंह के शासनकाल में हुआ था। देखिए यहाँ पर एक मूलभूत जानकारी जो आपको ध्यान में रखना है, हल्बा विद्रोह 1774 ईस्वी से लेकर 79 ईस्वी तक हुआ था जबकि अजमेर सिंह 1774 ईस्वी से 77 ईस्वी तक ही राजा था। 1777 ईस्वी को अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद 2 सालों तक हल्बा विद्रोह चलता रहा। ये क्यों था हल्बा विद्रोह, तो अजमेर सिंह और दरिया देव इन दोनों भाइयों के मध्य में उत्तराधिकार हेतु युद्ध चल रहा था और इसी समय अजमेर सिंह के नेतृत्व में हल्बा विद्रोह किया गया था दरिया देव और ब्रिटिश के दरिया देव और मराठों के विरुद्ध। ठीक, तो इसका हमने अब हम इसका मैच देख लेते हैं। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल है 1879 ईस्वी में मेवाड़ी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन कहाँ किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए रायगढ़, बी बिलासपुर, सी राजनांदगांव और डी कांगेर। तो क्या होगा इसका आंसर, गेस कीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा समय ले लीजिए, 1 2 3 4, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ था, 1870 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने राजनांदगांव का सामंती शासक महंत घासीदास को नियुक्त किया था और फिर जैसे जैसे राजनांदगांव नगर के रूप में विकसित होते जा रहा था वहां लगातार बेगारी प्रथा बढ़ती ही चली जा रही थी। बेगारी का क्या तात्पर्य होता है कि अधिक कार्य करवा कर वेतन कम देना और इसी बेगारी प्रथा के विरुद्ध सेवदा ठाकुर के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनांदगांव में बगावत कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो आंदोलन है ये सेवका ठाकुर के नेतृत्व में किया गया था, बेगारी प्रथा के विरुद्ध किया गया था। कब किया गया था, राजनांदगांव में 1879 ईस्वी में। और इस प्रकार का विरोध या फिर विद्रोह कह सकते हैं या फिर आंदोलन कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो आंदोलन था जो कि बेगारी प्रथा के विरुद्ध किया जा रहा था, ये ना केवल राजनांदगांव में बल्कि सरगुजा और डोंगरगढ़ क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी बेगारी प्रथा के विरुद्ध उस समय आंदोलन किए जा रहे थे। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है सिंहावर नगरी जंगल सत्याग्रह संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, मैं करेक्ट स्टेटमेंट को
सेलेक्ट करना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट, यह छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डील किया था सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के बारे में, हमने पहले भी चर्चा की है। तो हाँ, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जंगल सत्याग्रह था जो 21 जनवरी 1922 को प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? तो पहले तो वहां के स्थानीय आदिवासियों के द्वारा ही इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया जा रहा था, लेकिन बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में इस जंगल सत्याग्रह का संचालन किया गया। ठीक है, तो जब भी सवाल में पूछा जाएगा तो आपको नेतृत्वकर्ता के रूप में इनका ही नाम लिखना है। और जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, विशंबर पटेल, शोभा राम, तो ये सभी नेता क्या थे? तो ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने वाले नेता थे। ठीक है, तो अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो वो सभी नेता के नाम आएंगे, लेकिन अगर नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम आएगा। ठीक, तो हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, पुलिस के द्वारा सिंधु कुमार मारा गया। तो ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में नहीं मारा गया था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान रुद्री नवा गांव में जंगल सत्याग्रह हो रहा था, उसमें मारा गया था। रुद्री नवा गांव में 22 अगस्त से लेकर 5 मार्च 22 अगस्त 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक गांधी इरविन समझौता के साथ ये जंगल सत्याग्रह समाप्त हुआ। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह से संबंधित याद रखना है, तो पहली बात तो ये कि ये कब से कब तक हुआ था, तो 22 अगस्त 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक हुआ था, मतलब कि गांधी इरविन समझौता के साथ ही इसकी समाप्ति हुई थी। दूसरी बात, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में हुआ था, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण को स्थगित किया गया तब तक यह आंदोलन चला। ठीक, तीसरी मुख्य बात कि यह छत्तीसगढ़ में चलने वाला सबसे लंबा जंगल सत्याग्रह था। ठीक, अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। क्यों? क्योंकि धमतरी के बाकी नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और पंडित सुंदरलाल शर्मा जब राजीव से निकल रहे थे तो उन्हें अबनपुर में भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से इसका नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा किया जा रहा था। रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह के दौरान जब पुलिस ने गोलीबारी प्रारंभ की तो पुलिस के द्वारा सिंधु कुमार की मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, और एक और व्यक्ति है रघु या फिर रघु, कहीं कहीं रघु दिया गया है, कहीं कहीं रघु दिया गया है। तो रघु जो है ये घायल हो गया था। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह संबंधित तो नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कि इस सत्याग्रह का नेतृत्व तो बालिका दयावती करते, जैसे कि हमने देखा कि इसका नेतृत्व तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कर रहे थे। तो दयावती किसका नेतृत्व कर रही थी? तो दयावती महासमुंद जिले के अंतर्गत हुए तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रही थी। तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता थे यति यतनलाल जैन, यति यतनलाल और शंकर राव गनौद वाले। नौ सितंबर 1930 को जब ये जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले 9 सितंबर के दिन ही इन दोनों नेतृत्वकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व भगवती प्रसाद मिश्रा के द्वारा किया गया। ठीक है, तो भगवती प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में जितने भी जंगल सत्याग्रही थे उनका एक जत्था वन की ओर जाता था, ये आरक्षित वन में प्रवेश करते थे और फिर वहां से लकड़ियां काट कर वन कानून को तोड़ा करते थे। तो एक दिन ऐसे ही ये जो किशोरी है ना दयावती, इनके नेतृत्व में सत्याग्रहियों का जत्था आरक्षित वन की ओर गया और वहां पर उन्हें अनुभागीय अधिकारी एमपी दुबे ने रोक दिया। फिर क्या था, दयावती ने उन्हें खींचकर एक थप्पड़ मार दिया और उसके बाद फिर वहां पर पुलिस ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी, लेकिन बाद में वहां के माल गुजारों के द्वारा, मतलब कि ग्राम प्रमुखों के द्वारा
इस स्थिति को संभाल लिया गया, कुशलतापूर्वक उनके द्वारा संभाल लिया गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दयावती का संबंध तमोराजन सत्याग्रह से है और सिंधु कुमार का संबंध किससे है, रूपी नवागांव जंगल सत्याग्रह से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही कथा का चयन करना है, केवल एक ही इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न जंगल सत्याग्रह को उसके काल क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, लिख लेते हैं। ये कब हुआ था, 1922 में, लबरा 8 सितंबर महासमुंद जिले के अंतर्गत 8 सितंबर 1930 को हुआ था। पोड़ी सीपत ये 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 1930 को बिलासपुर के सीपत के अंतर्गत पोड़ी ग्राम में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे रामाधार दुबे, जिन्हें 28 अक्टूबर को 6 माह की सजा दे दी गई थी। ठीक, बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह 1939 में हुआ था, डोंगरगढ़ के निकट। ये जो जंगल सत्याग्रह है ना, इसका संचालन स्टेट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। स्टेट कांग्रेस के कार्यकर्ता 21 जनवरी 1939 को इन्होंने इस जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। फिर क्या क्या हुआ बद्रटोला जंगल सत्याग्रह में, तो ऐसा था कि ये जंगल सत्याग्रह कर रहे थे, पहले 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इस सत्याग्रह के दौरान रामाधीन गोल्ड इनको इनकी हत्या भी कर दी गई। पुलिस ने इस सत्याग्रह में गोलीबारी की और इसी दौरान 27 वर्षीय रामाधीन गोंड की मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति का नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजनाथ गांव के स्टेशन में फिर से कार्यकर्ताओं के द्वारा ये एक क्षेत्र में इकट्ठा हुए, लेकिन उस समय धारा 144 लगा हुआ था, तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में इसकी सूचना गांधी जी को दी गई, दो कार्यकर्ताओं ने जिनमें से एक कार्यकर्ता थे श्री रुईकर, इनके द्वारा ये दोनों वर्धा गए और गांधी जी को इसकी सूचना दी कि इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति है। तो फिर गांधी जी ने सलाह दी कि इस सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाए और उसके बाद फिर इस सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, सिंहावा नगरी 1922, फिर उसके बाद पहले वन हुआ, उसके बाद पोड़ी सीपत, फिर उसके बाद लबरा और उसके बाद फिर बद्रटोला। 1324 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे अपने अगले सवाल की। अगला सवाल है, ठाकुर प्यारे राम सिंह निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, तो क्या वो किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे, नहीं, जंगल सत्याग्रह के, नहीं, वो मजदूर आंदोलन के नेतृत्व करता थे और छत्तीसगढ़ का पहला मजदूर आंदोलन बंगाल नागपुर कॉटन मिल, यहाँ के मजदूरों के द्वारा किए गए आंदोलन के नेतृत्व करता थे। बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर आंदोलन 1920 में हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला मिल मजदूर आंदोलन था, सबसे लंबे समय तक चलने वाला मजदूर आंदोलन था और इसके नेतृत्व करता थे ठाकुर त्यागीलाल सिंह। ये कहाँ है, ये जो कॉटन मिल का जो उद्योग है ना, ये 1892 में इसकी स्थापना राजनाथ गांव में की गई थी और ये छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग भी है, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। इस उद्योग का नाम बंगाल नागपुर कॉटन मिल इसलिए रखा गया था क्योंकि बंगाल से लेकर नागपुर तक ऐसा और कोई दूसरा कॉटन मिल उद्योग नहीं था और इसीलिए इसका नाम बंगाल नागपुर कॉटन मिल रखा गया था। हो क्या रहा था, 1920 की बात है ना, अंग्रेजों द्वारा वहां के मजदूरों को अधिक कार्य करवा कर मजदूरी कम दिया जाता था, मतलब कि वेतन कम दिया जाता था। सुबह 5 बजे से लेकर वहां के मजदूर शाम को 6 बजे तक कार्य करते थे और जिसका उन्हें उचित वेतन नहीं मिलता था, एवं उन पर शोषण भी किया जाता था, मतलब कि उनको कार्य करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी गई थी। तो इन्हीं सब कारणों से वहां के मजदूरों के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में। ये जो आंदोलन था, ये जो हड़ताल था, वहां के मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया गया और ये हड़ताल लगातार 36 दिनों तक चला। लेकिन राम बिहार की किताब में
इसे 37 दिनों तक चला ये लिखा गया है, ठीक है। संस्थागत किताबों में या फिर बाकी किताबों में आपको देखेगा, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब में भी आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये जो आंदोलन था, ये हड़ताल जो था, वो 36 दिनों तक चला। लेकिन अकॉर्डिंग टू राम बिहार, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक किताब है, इसके आधार पर हम माने तो ये जो आंदोलन था ये 37 दिनों का चला। इन दोनों कालावधि को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या समझ में आया कि ये मजदूर आंदोलन था, यहाँ के मजदूरों के द्वारा ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया गया था, लगातार 36 दिनों तक हड़ताल रखा गया था, और अंत में क्या हुआ, ये आंदोलन सफल रहा, मजदूरों के वेतन की टाइमिंग को निर्धारित किया गया, अब वो सिर्फ 8 घंटे तक कार्य करने वाले थे, इनके वेतन को बढ़ा दिया गया और इनके कार्य करने की स्थिति में सुधार लाया गया, ठीक। तो पहला मिल मजदूर आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, ऐसे ही दूसरी बार इन्हीं मजदूरों के द्वारा फिर से 1924 में आंदोलन किया गया, और उसके बाद 1934 में भी आंदोलन किया गया, मतलब कि 3 बार मजदूर आंदोलन हुए, तीनों बार ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुए थे और तीनों बार यह आंदोलन सफल रहा। तो पहली बार हमने देखा कि इनके वेतन को तो बढ़ा दिया गया, अब ये ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते थे कि इनसे बेगारी कराए, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने मजदूरों के ऊपर दमन करना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने दमन नीति प्रारंभ की और इसके विरुद्ध 1924 में विद्रोह किया गया, और उसके बाद फिर इनकी सैलरी में कटौती की जा रही थी तो इसके विरुद्ध 1924 में विद्रोह किया गया, तीनों का तीनों जो आंदोलन था, ठीक है, ये जो हड़ताल था ये सफल रहा। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल है भोपाल पट्टनम, अच्छा इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया था ना, हाँ ठीक। अगला सवाल, भोपालपट्टनम का संघर्ष संबंधित है मराठों की शोषण नीति से, बस्तर के राजा से युद्ध इससे संबंधित है, गेर सिंह का विद्रोह या फिर कैप्टन ब्रंट का आगमन। तो ये जो भोपालपट्टनम का संघर्ष है ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो दरियादेव के शासनकाल में, उस समय बस्तर के शासक थे दरियादेव, 1795 ईस्वी में हुआ था। हमने देखा था इस समय सूबेदारी प्रथा चल रही थी और ऊपर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में विठल राव दिनकर सूबेदार का शासन था। उस समय कैप्टन ब्लंट, यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और वो यहाँ भोपालपट्टनम के जमींदार से भी मिलना चाहते थे, और इसीलिए वो जब इंद्रावती नदी को पार करके भोपालपट्टनम जा रहे थे तो इंद्रावती नदी में ही वहीं पर उसके समीप वन आदिवासियों ने उन्हें वहां पर रोक लिया और उन्हें इंद्रावती नदी पार करने को दिया ही नहीं, मतलब कि बस्तर की सीमा पर ही उन्हें रोक लिया गया था और अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। इसी संघर्ष को भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जैक्ट टाइमिंग हम देखें तो 13 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक यह संघर्ष चला, और उसके बाद फिर ब्लंट को वापस लौटना पड़ा और वो 13 मई को फिर रतनपुर पहुंचे। तो करेक्ट आंसर क्या है, कैप्टन ब्लंट का आगमन। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस देशी रियासत ने भारत संघ में सम्मेलन हेतु सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला राजनांदगांव, बी खैरागढ़, सी चांदबखार और डी जशपुर। भारत की आजादी से पूर्व 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासतें थी और इन 14 रियासतों का भारत संघ में संविलियन हेतु एक अनुबंध पत्र तैयार किया गया था और 1 अगस्त 1947 को इसे छत्तीसगढ़ के रियासत के शासकों के पास भेजा गया, और इसमें सबसे पहले हस्ताक्षर राजनांदगांव के शासक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने किया था। इनका ऐसा मानना था कि एक विशेष स्थिति में जहां पर हमारी बात भी सुनी जाए और आपकी बात भी रह जाए, तो इस प्रकार से एक विशेष स्थिति में, एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हाँ यहाँ के जितने भी रियासत हैं उन्हें भारत संघ में मिला दिया जाए, और इसी कारण से सबसे पहले सहमति राजनांदगांव के तत्कालीन राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको रियासतों से संबंधित रखनी है वो ये है कि सबसे बड़ा रियासत बस्तर था
और सबसे छोटा रियासत शक्ति था, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए मंगलदास पकवासा, बी जय नारायण पांडे, सी ठाकुर दयालाल सिंह और डी द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो देखिए, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, इसका गठन छत्तीसगढ़ की रियासतों को भारत संघ में विलय के उद्देश्य से किया गया था और इसके अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और सचिव थे जय नारायण पांडे। सचिव थे और अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला सवाल है, कांग्रेस किस अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य के रूप में मांग की गई थी? ऑप्शन है ए बेलगाम, बी त्रिपुरी, सी बंबई और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमें ये जानना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरी के अधिवेशन में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी के अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। एक तो यहाँ पर जितने भी प्लेसेस के नाम दिए गए हैं उसमें ये जो त्रिपुरी का अधिवेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि ये जो सवाल है, ये प्रश्न चाहे CGPSC प्री की बात करे या फिर अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की बात करे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे पिछले वर्षों के पेपर में ये सवाल देखने को मिल जाएगा, मतलब कि रिपीट मोड में इस सवाल को पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में सवाल को पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ध्यान में रखिएगा कि त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार से सवाल CGPSC प्री में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आंदोलन, सत्याग्रह, इनसे संबंधित सवाल CGPSC प्री में पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल तो मिल ही जाएंगे। और ये सवाल कैसे होते हैं, तो या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं या तो फिर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। इनकी टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है, इसके नेतृत्वकर्ता आपको ध्यान में रखने आए, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कुछ विशेष हुआ है इस पर्टिकुलर आंदोलन या सत्याग्रह में तो वो भी आपको याद रखना है। सवाल तो पूछा जाता है। अब देखिए ना, वो सिंधु कुमार जो मारा गया था रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में, उसका भी नाम पूछा जाता है, तो आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन कमिटी हर संडे को फ्री में टेस्ट आयोजित कर रही है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 11 बजे टेस्ट होना है, तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूलिए। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख लिया। अगले लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।